हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सैनी और दिस साइड कमल फ्रॉम collegejankar.com बेस्ट काउंसलिंग सर्विसेज। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर देर का होगा, वोटिंग नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून शहर के अंदर एक कॉलेज सिचुएटेड है जिसका नाम है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। हालांकि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में क्या सीन है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा होता है, एडमिशन क्या है, स्टूडेंट का कल्चर कैसा है, कैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, टीचर्स कौन कौन से पढ़ाई करवाते हैं, इसके साथ ही प्लेसमेंट सेशंस एंड बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी इस बार CUET के थ्रू भी एडमिशन लेती है, इसके साथ ही JEE मेन जैसे एग्जामिनेशन के थ्रू, इंजीनियरिंग जैसे एंट्रेंस एग्जाम, इसके साथ ही CUET एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड के देहरादून शहर के अंदर सिचुएटेड है। कॉलेज की अगर बात की जाए, ये यूनिवर्सिटी बहुत सारी कोर्सेज जैसे कि BTEC, BBA, BCA, BMS एंड लॉट ऑफ कोर्सेज, बी फार्मेसी, डी फार्मा जैसे कोर्सेज कंप्लीट करवाती है। अगर बात की जाए NEC की, NEC ने इस यूनिवर्सिटी को A+ का डिग्री प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही अगर कॉलेज में क्लासरूम्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आपको बिल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, कोई बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। दिस इज एन लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड के अंदर टोटल ऑलमोस्ट 21-22 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिसमें से एक ये भी यूनिवर्सिटी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इतने दिन तक ऑलमोस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द लोकल जस्ट लाइक फ्रॉम द उत्तराखंड एंड सम अदर स्टेट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द होम टाउन, एंड यहाँ पे आपको हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है हॉस्टल के अंदर। इसके साथ ही आपको एक लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, आपको क्लासरूम की फैसिलिटीज भी कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलती है। अगर बात करें प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, लो स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्लेसमेंट के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलते हैं। एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे 1.5 LPA टू 2 LPA तक का प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर क्लासरूम एंड टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स आर वेल एंड गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कहना है कि हमें जो टीचर हैं वो बहुत बार एक ही टीचर दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ऐसा हालांकि बहुत सारे कॉलेजों के अंदर देखा जाता है इंडिया में, जिसके अंदर बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए वो है इंडस्ट्री कोलेबोरेशन, तो इंटर्नशिप वगैरह के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा धीरे देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पे अमेजोन, विप्रो, ITC जैसे बहुत सारी कंपनीज के नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि पेटीएम, बाईजूस एंड बहुत सारी लॉट ऑफ कंपनीज जो कि यहाँ से रिक्रूट करती है स्पेशली इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। हालांकि यह यूनिवर्सिटी आपको UG, PG एंड बहुत सारे लॉट ऑफ और भी कोर्सेस कंप्लीट करवाती है। इसके साथ ही आपको अगर बता दें कैंपस फैसिलिटीज, तो कैंपस आपको एकदम लश्करीन हरा भरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही कैंपस साइजिंग के अंदर बहुत बड़ा, आपको 100 acres से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। आई थिंक 120-130 acres के आसपास का कैंपस है जो कि एक बहुत बड़ा कैंपस देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको वहाँ पे घूमना नहीं है, आप एक पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं देन सब्जेक्ट मैटर टू दिस लाइक दिस इज वेरी रिस्की, सो आप अपने जजमेंट एंड आप वहाँ पे विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। अपनी सुविधाओं अनुसार आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आप वहाँ पे चेकआउट करें, फैसिलिटीज अपने सीनियर से बात कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर फीडबैक की बात की जाए कि आपको हमको जो है 10 out of 10 कितना देना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी अपने आप को लगातार इम्प्रूव करती जा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर कोविड के बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए हैं। अगर बहुत सारे कॉलेजों को अपने आप को अपग्रेड करना है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, जिसके अंदर बच्चों को विजुअलाइज, एनिमेशन एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट से पढ़ाना होगा, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर थोड़ा सा नॉलेज घुसे और वो अपने आप को इम्प्लीमेंट करता जाए। अगर प्रोफेसर लगातार बोर्ड के ऊपर लिखता रहा, पढ़ाता रहा, तो उस प्रकार से स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं घुस पाता है और स्टूडेंट्स अपने आप को वो याद भी नहीं कर पाता है। और आजकल तो बेरोजगार मैकेनिकल इंजीनियर हॉस्टल के अंदर ही सोते रहते हैं,
तो कॉलेज वालों को ध्यान देना चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज न्यू डिजिटल बोर्ड्स या फिर प्रिंटर जस्ट लाइक स्कैनर जैसी फैसिलिटीज से पढ़ाते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टर का भी बहुत सारे कॉलेजेस इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कॉलेजेस बच्चों को अच्छे से पढ़ाया करते हैं। टीचिंग क्वालिटी इज ऑलमोस्ट वेरी गुड, हम इसको कह सकते हैं 10 out of 10 अगर हम इनको मार्क्स दें तो 10 out of 10 हम ऑलमोस्ट 4 to 5 की रेटिंग दे सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी का उतना ज़्यादा नाम हुआ नहीं है, 2013 तक ये कॉलेज ओपन हुआ है और ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो चुके हैं। तो देख सकते हैं फ्यूचर के अंदर हो सकता है अपने आप को बहुत अच्छा अपग्रेड करें। CUET पोर्टल पे आने के बाद में हो सकता है यूनिवर्सिटी की पहचान बने, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग देश अलग अलग स्टेट से आए और एडमिशन ले, नई नई कल्चरल इवेंट्स हो और स्टूडेंट को काफ़ी कुछ देखने को मिले। हालांकि मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत कम होते हैं एंड स्पेशली अभी जो देखा जाता है कॉलेजों के अंदर वो होता है इंक्यूबेशन सेंटर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि लॉट ऑफ गाइस वांट टू डू ए स्टार्टअप। तो कॉलेज के अंदर एक इंक्यूबेशन सेंटर या इनोवेशन सेंटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि बच्चों को गाइड कर सके, बता सके कि और फंड्स दे सके ताकि बच्चे अपने स्टार्टअप पे काम कर सके, क्योंकि इंडिया इज द नाउ वर्ल्ड लार्जेस्ट बूमिंग इन द स्टार्टअप और अभी ऑलमोस्ट 103 के आसपास यूनिकॉर्न भारत के अंदर है। तो देश को इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए और कॉलेजों को लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए इन सारे मामलों में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड आप लोगों को अगर अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेना है आपके लिए बेस्ट कोर्सेस कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत सारी जॉब्स जा रही है, बहुत सारी न्यू जॉब्स आ भी रही है, तो आपको कौन से कोर्स करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर आप जस्ट लाइक डेवलप कर सकते हो नए नए गेम्स। अभी VR का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, वर्चुअल रियलिटी इज द नेक्स्ट बूमिंग इन द वर्ल्ड। इसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, बैंक, सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके साथ ही आपको इंजीनियरिंग के लिए आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं इन सब के लिए आप हमारी एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हो, जिसके लिए आपको बोर्ड लाइन नंबर पे नंबर दे रखा होगा 8209441638, वहाँ पे आप कॉल लगा के हमारी एक्सपर्ट टीम से काउंसलिंग ले सकते हो, बातें कर सकते हो कि आखिरकार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ भी सेशन कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार बनाए।